मनोहर लाल 15 मई को जगाधरी के दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रगति रैली को संबोधित करेंगे। सीएम की प्रगति रैली की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री 15 मई को जगाधरी पहुंचेंगे और शिक्षा मंत्री ने इस रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बीते साल अपनी रैली में जो घोषणाएं की थी उनमें से लगभग सभी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो 15 मई को मुख्यमंत्री जगाधरी दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि यह रैली जो है वो ऐतिहासिक होगी। प्रगति रैली में क्षेत्र के लिए सौगात मिलने की उम्मीद भी यहां पर जताई जा रही है। और वहीं साथ ही साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष पर निशाना साधा है, कहा है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को वहां पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर से बहुत सी ऐसी घोषणाएं जो डेवलपमेंट की अभी कुछ कमियां थी उनको पूरा करने का वो विश्वास दिला के आएंगे और निश्चित तौर से वो अपने टाइम पे पूरी भी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जनता में भारी उत्साह है। मैं समझता हूं कि ये आज तक की शायद यमुनानगर के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा होगी जिसमें मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। और पिछली बार जो घोषणाएं हुई थी लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं। अगर मैं एक विधानसभा की बात कहूं केवल जगाधरी की, तो 1,82,85,60,000 रुपए के काम उसमें घोषित किए गए थे जो पूरे हो चुके हैं। अगर आप सारे का अनुमान लगाएं तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए थे और वो सारे के सारे लगभग पूरे हो चुके हैं। अगर हम कॉलेज की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां एक कॉलेज था, उस कॉलेज की भी जितनी बिल्डिंग थी उससे ज्यादा बनाई गई और उसके अलावा 3 सरकारी कॉलेज और बने। अगर ऐसे ही आईटीआई को देखें तो वो भी 4 गुना ज्यादा बड़ी है। अगर हम हॉस्पिटल को भी देखें तो अगर बेड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 6 गुना से भी ज्यादा बेड की व्यवस्था है। जैसे यमुनानगर जो पहले 100 बेड का था वो अब 200 बेड का बनके तैयार है। लगभग आने वाले 1 या 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। बात है इतिहास जो है ना जी, इतिहास को आप शुगर कोटेड नहीं बना सकते कि आप मिट्टी मिट्टी बातें लिखेंगे, अगर कोई कड़वी है तो वो भी बात कही जा। जहां कांग्रेस को बहुत से श्रेय मिल रहे तो वहां कुछ गलतियां भी हुई है, उन गलतियों का भी जिक्र किया ही जाएगा। वहीं अगर हम 562 रियासतों का जिक्र कर रहे हैं कि जिस कुशलता के साथ सरदार पटेल ने उनका विलय किया वो अपने आप में बेमिसाल है, तो वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, इसी देश के उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर देश का विभाजन स्वीकार किया गया तो वो भी एक बड़ी गलती थी, तो उसमें भी जिक्र निश्चित तौर से होगा। इतिहास जो है वो घटी घटनाएं हैं, ना कि हमारी मर्जी से कोई लिखा जाएगा।